कांग्रेस के नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में हर समाज के वोटरों को साधने में जुटी कांग्रेस ने कपकोट के पूर्व विधायक को मैदान में उतारा है। आज नगर के वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस के कपकोट पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में प्रचार अभियान चलाते हुए जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में 19 अप्रैल को मतदान करने की अपील के साथ ही कांग्रेस की 5 गारंटी के पर्चे वितरण किए। लोगों को कांग्रेस की गारंटी के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पूर्व विधायक ने भाजपा के 400 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए अब की बार भाजपा की 400 पार से हार का नारा दिया है। पूरे क्षेत्र लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं, रात दिन हर जगह उनकी रैलियां हो रही हैं और जगह जगह पे जनता से, महिलाओं से, बच्चों से रूबरू हो रहे हैं और उनको पूरी तरह से जनता द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि अब की बार जो है आपको विजयी अवश्य बनाएगी जनता, क्योंकि जो पूर्व संसद हैं उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया उन्होंने और अपनी निधि जो आती संसद निधि वो भी जो है उन्होंने 40% खर्च कर पाए, 60% जो विकास काम खर्च वो भी उन्होंने बचा दी। इस तरह से कोई काम उन्होंने नहीं क्षेत्र किया, कभी क्षेत्र मायने और दूसरे अपने नाम से वोट नहीं मांगते, कह रहे हमें क्षमा किया जाए, मोदी को जिताओ, मोदी को वोट दो, इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। इन जुमलाबाजी बयानों से जनता त्रस्त हो चुकी है। अब की बात भाजपा की किसी प्रकार की लोभ लालच जनता नहीं मानेगी। हर चीज़ महंगाई से त्रस्त है जनता, वादे करते हैं, अफवाहों का वादा करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, इतने 5 घोषणाएं क्षेत्र करी, वो सड़क बनेगी, ये सड़क बनेगी, लेकिन कोई काम नहीं पूरा है। ये क्षेत्र पूरा लाल कुआ विधानसभा में कोई काम नहीं, अपनी लोकसभा सीट में पूरा निधि नहीं कर पाए। अब के ये पूरी कांग्रेस की लहर चल रही है, 5 सीट पर कांग्रेस विजयी होगी। सभी क्षेत्र के अंतर्गत प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लालकुआ के क्षेत्र में जो बिंदु खत्ता का क्षेत्र है, लालकुआ ये शहर है, यहाँ पर जिस प्रकार से एक बयार कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, निश्चित तौर पर हमको पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा के आसन्न लोकसभा के चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार यहाँ से बनेगी। कांग्रेस के सांसद आदरणीय श्री प्रकाश जोशी जी ये भारी बहुमत से यहाँ से जीत के जाएंगे, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। और हमें दिखता है कि भैया जो 400 पार की बात करते हैं, हम कहना चाहते हैं कि जनता कह रही 400 पार नहीं, 400 पर हार, 400 पर हार इनकी होगी तो इनके पास कौन सा सांसद रहेगा, इस बात की गारंटी अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। और जो 10 साल से विकास की बात करते हैं इस नैनीताल संसदीय क्षेत्र के अंदर, आज भी लालकुआ से हल्द्वानी तक की सड़क हमारे पहाड़ के लोग आते जाते हैं, जिस प्रकार से सांसद को लगातार गलियाते हैं, आज तक सांसद जी ने ना पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाया, ना इस भारत की सरकार में इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने देने की जनता के बीच कोशिश करी कि भैया सड़क क्यों नहीं बन पा रही, किन कारणों से सड़क के पीछे है, इस बात की जानकारी जनता के बीच में उन्होंने देनी चाहिए। और आज तो हम चाहते हैं कि भैया जो कांग्रेस 5 रोजगार गारंटी आपके बीच में लेके आई है, 1,00,000 रुपये प्रति महिला को, हर परिवार की महिला को, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग की व्यक्ति है, गरीब महिला को देने की बात कर रही है, युवाओं को जो अप्रेंटिस के तौर पर जो 1,00,000 रुपये देने की बात करेंगे, बहुत बड़ी रोजगार गारंटी हमको मिली है कांग्रेस की तरफ से। 400 रुपये मनरेगा मजदूरी के तौर पर, पहले 200 रुपये मिलती थी, कांग्रेस ही सरकार बनेगी तो 400 रुपये हम लोग मजदूर देंगे। कर्ज माफी के तौर पर भी सरकार हमको आश्वस्त करने की बात कर रही है कांग्रेस जब आएगी। और उसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे विकास के मॉडल को जो है अपने घोषणा पत्र में स्थापित कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखी है और हम चाहते हैं कि जनता हमारे इस घोषणा पत्र पर विश्वास करके आगामी 19 तारीख को प्रकाश जोशी की और नए उत्तराखंड के हमारे 5 संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाएगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं।